वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्रेंट वर्षा। मैं हूँ वर्षांतनी और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग वेज डाइट प्लान। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। और इस वेज डाइट प्लान में हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मूंग, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग मूंग डाइट प्लान। क्या आप मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग व्हाट्सएप डाइट क्लास ज्वाइन करना चाहते हो? दो दिन का ट्रायल कंप्लीटली फ्री है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे गूगल फॉर्म की लिंक शेयर की है, आप गूगल फॉर्म भरिए, फिर आप मुझसे जुड़ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू और व्हाट्सएप डाइट क्लास में। इस डाइट प्लान में मूंग को आपको स्प्राउटेड करके भी यूज करना है और आप दाल फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। मैंने कई सारे वीडियोस में आपसे शेयर किया है, दाल में सबसे पौष्टिक दाल अगर कोई है, न्यूट्रिशियस दाल अगर कोई है तो वो है मूंग दाल। आप ग्रीन मूंग दाल का भी यूज कर सकते हो या येलो मूंग दाल का भी यूज कर सकते हो। मूंग दाल बहुत ही पौष्टिक होते हैं, लेस इन कैलोरीज है, हाई इन फाइबर है और सबसे इम्पोर्टेंट रिच इन प्रोटीन है, तो आपको इसे खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मूंग दाल डाइट प्लान, या मैं ये कह सकती हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग वेज डाइट प्लान। मॉर्निंग में आपने एंटी स्टमक लेना है डिटॉक्स वाटर। आपने डिटॉक्स वाटर लेना बहुत ही जरूरी है, तो हम कौन सा लेंगे? हम इसमें लेंगे एप्पल साइडर विनेगर या तो फ्लैक्सीड्स डिटॉक्स वाटर। उसकी लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, आप उसे जरूर देखिए। फिर बारी आती है फर्स्ट मील की। आपका जो भी आपका ईटिंग विंडो है उसका जो फर्स्ट मील है उसमें आपने क्या लेना है, यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शंस दे रही हूँ। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा मूंग दाल डोसा और दूसरा जो ऑप्शन है वो है हमारा स्प्राउटेड मूंग दाल चिला। दोनों की भी लिंक मैंने आपसे शेयर की है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? आपकी क्वांटिटी होनी चाहिए दो मूंग दाल डोसा या दो मूंग दाल चिला। इसके साथ आप ले जा सकते हो, इसके साथ आप ले सकते हो टोमेटो चटनी या तो फिर आप ले सकते हो लो फैट कर्ड। फर्स्ट मील के दो से ढाई घंटे के बाद आप ले सकते हो 10 सोप आलमंड और उसके साथ 1 वॉलनट। अगर वॉलनट और आलमंड्स को आप सोक करके लेते हो तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है और हमारे बॉडी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। या तो आप ले सकते हो 1 ग्लास बटर मिल्क। अब बारी आती है मिड ब्रेक की। मिड ब्रेक मतलब हमारा जो फर्स्ट मील है और जो लास्ट मील है उसके बीच में इफ यू फील हंग्री देन आप ले सकते हो मूंग दाल सूप। मूंग दाल सूप बनाते वक्त आप लौकी का इस्तेमाल कीजिए या पंपकिन का इस्तेमाल कीजिए, तो बहुत सारे वेजिटेबल डाल के भी आप मूंग दाल सूप बना सकते हैं। और कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी की लिंक मैंने आपके साथ शेयर की है, आप जरूर उसे देखिए। फिर शाम को हम सभी को चाय लगती है, आप भी पियोगे, तो टी ब्रेक में आप ले सकते हो ग्रीन टी या मिल्की टी। मिल्की टी अगर प्रिफर कर रहे हो तो आप टोन मिल्क या काउ मिल्क का ही इस्तेमाल कीजिए और शुगर की जगह आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव करके स्टीविया का यूज कीजिए। या तो आपको स्टीविया पसंद नहीं है तो जैगरी इस्तेमाल कीजिए, या तो आप लेस शुगर या नो शुगर के साथ मिल्की टी या ग्रीन टी ले सकते हैं। अब बारी आती है हमारी लास्ट मील की। लास्ट मील में आपको मैं अगेन दो ऑप्शंस देती हूँ। आपको रिपीट करना है या तो मूंग दाल डोसा आगे, या तो फिर आपने लेना है मूंग दाल खिचड़ी। आपने मेरा दलिया मूंग दाल खिचड़ी का वीडियो देखा ही होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिए। तो आपने लेना है या तो दो मूंग दाल डोसा विद रायता, या तो फिर आपने लेना है दलिया मूंग दाल खिचड़ी विद रायता। क्या आप मेरा इंटरमीडिएट फास्टिंग व्हाट्सएप डाइट क्लास ज्वाइन करना चाहते हो? दो दिन का ट्रायल कंप्लीटली फ्री है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे गूगल फॉर्म की लिंक शेयर की है, आप गूगल फॉर्म भरिए, फिर आप मुझसे जुड़ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू और व्हाट्सएप डाइट क्लास में।
अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको सभी के अगर रिजल्ट्स देखने हो तो आप मुझसे जुड़िए व्हाट्सएप के थ्रू, आपको मैं रिजल्ट भी बताऊंगी, और अगर आप आपका भी वजन कम करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़िए। फॉर द बेस्ट रिजल्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ आपको मिनिमम 45 मिनट्स वर्कआउट करना चाहिए। आप कोई भी कार्डियो एक्टिविटी या योगा या जिम या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप 45 मिनट्स तक करें। कम से कम 3-4 लीटर्स वाटर आप जरूर पीजिए होल डे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना जरूरी है। जिन्हें डायबिटीज है या हार्ट प्रॉब्लम है या आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो बिना डॉक्टर की सलाह आप ये डाइट ना करें। जो नर्सिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट हैं वो भी ये डाइट फॉलो ना करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप एक दिन, वीकली, ट्वाइस, थ्राइस या आप ऐसे लंबे समय तक भी कर सकते हो। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हो और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये सभी लोगों के लिए टिप है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में फर्स्ट मील या लास्ट मील जो भी आप खाते हो ट्राई टू टेक लेस कार्बोहाइड्रेट। इट डजेंट मीन आप चाहे जितना खा सकते हो, आपको आपके पोर्शन वॉच करना बहुत ही ज़रूरी है। ट्राई टू टेक लेस कार्ब्स। अगर आप कीटो डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों साथ साथ फॉलो करते हो तो यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। If you are new to my channel, then please subscribe and press the bell icon so आप पा सकते हो मेरे latest video updates.